नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 नी अंदर आप पूरक वाचन में चौथो पाठ आया। तो आ चौथो पाठ है महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। तो एना जे लेखक है पी सी पटेल, एमनो जन्म है सन 1938। भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक पी सी पटेल का जन्म लणवा गांव यानी कि जिला पाटन गुजरात में हुआ। SSC तक की पढ़ाई एवं विद्यालय कड़ी मेहसाणा में हुई थी। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने BSc तथा PMA साइंस कॉलेज अहमदाबाद से MSc की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात वे NG साइंस कॉलेज में अध्यापक बने और सेवानिवृत्ति तक भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य करते रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हिंदी विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। विज्ञान कंप्यूटर भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके लगभग 14 ग्रंथ अंग्रेजी गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी पुस्तक इंजीनियरी दर्शन यानी कि इंजीनियर दर्शन को गुजरात सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वकोश के लिए अधिकरण लेखक संपादक के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएं दी हैं। यह संकलित लेख हिंदी में लिखा गया है जिसमें गुजरात के अमर सपूत विक्रम साराभाई की सेवाओं का समृद्धि एवं शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता तथा प्रयासों का परिचय मिलता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। आज भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ रहा है। इसका बहुत कुछ श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जा सकता है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की नींव डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने रखी थी। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबंध राष्ट्र है। डॉक्टर भाभा के आकस्मिक निधन के बाद इस क्षेत्र में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस वैज्ञानिक पर आई वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी कि होमी जहांगीर बाबा का निधन यानी कि उनकी मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई को ये जिम्मेदारी देनी पड़ी। भारत को अवकाश संशोधन में एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर ले जाने के श्रेय भाभा विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को है। विक्रम भाई का जन्म जो है अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। इनके जो पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई तथा माता का नाम सरला देवी था। पारिवारिक वातावरण ने बालक साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल अध्यापकों शिक्षकों की देखरेख में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा पाई तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। विक्रम साराभाई के परिवार में उस समय देश के विख्यात व्यक्तियों विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। 1924 में
रविंद्रनाथ टैगोर और दीनबंधु इंडुज उनके पारिवारिक निवास रिट्रीट पर आए। विक्रम भाई उस समय बालक थे। उन्हें देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। मेधावी यानी कि होशियार है। यह थी उनके लिए भविष्यवाणी। प्रसिद्ध इतिहासविद यहूनाथ सरकार, भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चिरण दास और मुलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई समाजसेवी आचार्य कृपलाणी तथा साहित्यकार काका कालेलकर प्रभृति महानुभाव का प्रत्यक्ष परिचय उन्हें बचपन में ही मिला था। उनके कार्य और जीवन शैली का विक्रम साराभाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई, इसलिए कैब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाई। वे चाहते तो अपनी प्रतिभा, ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे, पर भारत लौटकर उन्होंने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया। वहां उन्हें होमी जहांगीर भाभा का सहयोग प्राप्त हुआ। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। अहमदाबाद में अनुसंधान कार्य के लिए उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL की स्थापना तो की, साथ ही भारतीय कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए अटेरा अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में भी अद्यतन बनाने का प्रयास किया। उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। जो आज भी देश की अपने तरह की सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। विक्रम साराभाई एक साथ कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति, प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक रहे। परमाणु ऊर्जा और अवकाश यानी कि अंतरिक्ष, ठीक है, और अवकाश अनुसंधान यानी कि आविष्कार, खोज संशोधन यानी कि अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए उनकी लगन में भारत को इस क्षेत्र में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाया। परमाणु ऊर्जा का शांतिमय कार्यों के लिए उपयोग तथा अवकाश अनुसंधान का संदेश व्यवहार, शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग से उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। इसमें विक्रम साराभाई का स्वदेश प्रेम, देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना, साफ
झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम भाई महात्मा गांधी के बहुत ही समीप थे। उन्हीं की तरह विक्रम भाई आजीवन समर्पित एक निष्ठ कर्मयोगी है। अनासक्त भाव से स्वयं स्वधर्म निवाह करने वाले वे विरल विभूति रहे। हम विक्रम भाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरुषकर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयता के रूप में पाते हैं। वे ऐसे स्वप्नदृष्टा थे जो रात्रि में देखे गए सपनों को दिन में साकार करना चाहते थे। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। जो जनता और राष्ट्र के रूप के लिए उत्कृष्ट ही यही करें। यह था विक्रम भाई का वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा मंत्र। अर्थात आप वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन या विज्ञान के चाहक के रूप वह करें तो जो जनता और राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट हो, उपयुक्त हो। यही तो है बुद्ध की बताई हुई विज्ञान की परिभाषा। विक्रम भाई को आधुनिक शंकराचार्य कहा जा सकता है क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधान शालाओं की स्थापना करके देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास के पंथ पर अग्रसर करने हेतु वंदनीय कार्य किया। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उन्होंने शांति का पैगाम दिया है। चंद्रमा पर शांति का सागर नामक एक विस्तार है जहाँ एक बड़ा सा उल्का गर्त है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस गर्त के साथ विक्रम भाई का नाम जोड़कर उनके खगोलीय अनुसंधान कार्यों को तो प्रतिष्ठा प्रदान की है ही। इस महान वैज्ञानिक को मानव अपनी भव्य भावांजलि भी दी है। विज्ञान को मानवता के साथ समन्वित करने वाले इस विलक्षण विश्व नागरिक ने 30 दिसंबर 1971 को कोवलम यानी कि केरल से विश्व को अलविदा कर दी। तो यहाँ पर ये पाठ तमारो अहीं पूरो थाय छे। हवे आ जे पाठ छे पूरक वाचन छे वाचननो छे पाठ छे। तो खाली आ तमारे वाचवानो रहेशे अने तमारे आ विक्रम साराभाईना विषयनो निबंध पण आवी शके तो तमारे आनामांथी पण तमे एने ए निबंध तमे लखी शकी शकशो। तो आनामांनो एक फकरो जे छे ए तमे तमारे अनुलेखनमां तमारे लखवानो રહેશે।